सो गाइस, न्यूज़ ये है कि फेसबुक के 10 लाख लोगों का डाटा लीक हो चुका है। कैसे लीक हुआ आपको बताने वाला हूँ, और आपको कैसे सेफ रखना है अपना सोशल मीडिया ऐप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट जो भी आप यूज़ करते हो उनका। फेसबुक के 10 लाख लोगों का आईडी पासवर्ड चला गया, उड़ गया। मतलब कैसे उड़ा? बेसिकली जो फेसबुक ने कहा है, फेसबुक ने खुद कहा है, मैं ठीक है वीडियो लेट बना रहा हूँ इसलिए ताकि मैं पूरी जानकारी अच्छी तरह ले सकूँ। फेसबुक ने खुद कहा है कि आपका डाटा, 10 लाख लोगों का डाटा चोरी हो चुका है। ठीक है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन है, 400 से ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर भी हैं और एप्पल स्टोर पर भी हैं, मिक्स हैं। ठीक है, जिनमें से अधिक एप्लीकेशन कुंडली की हैं, कुंडली बताती हैं, वो आपका भविष्य बताती हैं। कुछ फ़ोटो एडिटिंग की एप्लीकेशन है और कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी मतलब पता नहीं कैसी कैसी VPN है। ठीक है, जिनके थ्रू उसमें क्या होता है, हम जल्दबाजी के चक्कर में क्या करते हैं, आप जब भी किसी एप्लीकेशन पर लॉगिन करते हो आप हमेशा जल्दबाजी के चक्कर में, दो ऑप्शन आते हैं, साइनअप का ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है आपके पास लॉगिन विद फेसबुक, राइट। और हम क्या करते हैं कि हाँ टाइम बचेगा, हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं लॉगिन विद फेसबुक कर देते हैं और अलाउ 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 कर देते हैं। उस चक्कर में क्या होता है, हमारा सारा डाटा उस एप्लीकेशन के पास चला जाता है। जो सबसे ज़्यादा लोग पैसे कमाते हैं वो डाटा बेच के कमाते हैं। आपका डाटा, हमारा डाटा, जो हमारी प्राइवेसी होती है, कंपनी हमारा डाटा बेच के पैसे कमाती है, ना कि अपना प्रोडक्ट बेच के पैसे कमाती है, राइट। तो अपना डाटा कैसे सिक्योर करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। और 400 से ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशन है जो फेसबुक ने बताई हैं कि इनकी वजह से हमारे कस्टमर्स का डाटा लीक हुआ है, राइट। तो आपको कैसे सेफ रखना है अपने आप को, हमेशा 2-step वेरिफिकेशन ऑन रखनी है हर एप्लीकेशन की। उससे क्या होगा अगर आपका डाटा चोरी हो जाता है बाई चांस, ठीक है, और चोरी होने के बाद आपको पता चल जाएगा, अगर कोई बंदा आपकी मतलब पासवर्ड चेंज करेगा तो आप पे मैसेज भी आ जाएगा, OTP आएगा और मेल पे मेल भी आएगा कि पासवर्ड चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं 2-step वेरिफिकेशन ऑन करने के, ठीक है। और फेसबुक के केस में यही हुआ कि उन्होंने अलाउ अलाउ कर दिया। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हो, यूज़ करते हो, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि साइनअप करो, अलग आईडी बना लो, साइनअप करो, फेसबुक से कभी भी कनेक्ट करके ना यूज़ करो मैक्सिमम चीज़ों में, क्योंकि ऐसी बहुत सारी, अब वो एप्लीकेशन बंद हो जाएंगी, राइट। मान लो 400 एप्लीकेशन फेसबुक ने कहा है, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी दोबारा, फिर आपका डाटा लीक होगा, आईडी पासवर्ड चला जाएगा। आपकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेसी की कोई वैल्यू नहीं है, कीमती है आपकी प्राइवेसी, ठीक है। इसको सिक्योर रखने के लिए बहुत चीज़ें करो आप, ठीक है, जो मैंने बताया, 2-step वेरिफिकेशन करो। अब फेसबुक का डाटा तो हो गया लीक, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ भी सिक्योर नहीं है ना। तो अपनी तरफ से जितना हो सके सिक्योर रहो, क्योंकि डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो न्यूज़ यही है कि फेसबुक का डाटा 10 लाख लोगों का लीक हो चुका है। अब आपको फेसबुक का क्या करना है, अब अगर आपका डाटा लीक हुआ है, नहीं हुआ है, आई डोंट नो, बट आपको सिक्योरिटी के लिए अपना पासवर्ड चेंज कर देना है। अभी के अभी पासवर्ड चेंज कर दो और लॉन्ग लेंथ का पासवर्ड करो, मिक्स पासवर्ड करो। हम क्या करते हैं, 2022 में जी रहे हैं और अभी पासवर्ड मैं कई लोगों को देखता हूँ ऐसे रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, मतलब 1 से 9 तक पासवर्ड रख दिया। भाई तुम 2022 में जी रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। ऐसा कम से कम मिक्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, ठीक है, ताकि मतलब दिक्कत हो हैकर उसको भी हैक करने में, लाइक, लेकिन जिसने हैक करना हो कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से सिक्योरिटी पूरी बरतनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो किसी भी सोशल मीडिया ऐप का और 2-step वेरिफिकेशन ऑन करके रखो। अगर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो, तो अलाउ करने से पहले सोचो कि वो क्या क्या अलाउ मांग रहे हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स, मान लो किसी की गेम की वो है, गेम एप्लीकेशन कुछ भी लगा लो, तो वो आपको कॉन्टैक्ट्स का क्या करेगा, किसी की जन्मपत्री देखने की एप्लीकेशन है तो आपके नंबरों को क्या करेगा। तो अलाउ करने से पहले 100 बार 10 बार सोचा करो ताकि आप सेफ रह सको, ठीक है। सो यही था न्यूज़ था और आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यू आर माई फैमिली। जितने भी आप लोग मुझे देखते हो, 10, 20, 50, 100, 1000 जितने भी आप देखते हो, सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। मिलते हैं जल्दी अगले किसी शानदार वीडियो में। सो बी सिक्योर, बी अलर्ट, बी सेफ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।